तो हम लोग करंट के अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है टू सेंड मनी इन रियल टाइम टू पेटीएम वॉलेट यूजर्स इन इंडिया पेटीएम पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद कंपनी इन दिसंबर 2021। ठीक है, मनी सेंड करने के लिए एक्चुअल टाइम में मैंने कम समय में पेटीएम वॉलेट जो है किसके साथ किस पेमेंट बैंक के साथ पार्टनर किया है। ठीक है, तो ऑप्शंस ये दिए गए हैं, आंसर क्या होगा आपको आंसर करना है जल्दी से। उम्मीद है आपने आंसर कर लिया है, ये होगा मनीग्राम। तो पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट ने जो है किस बैंक से समझौता किया है, मनीग्राम से, ताकि सही टाइम पे मनी सेंड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप एज द वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एटम्स सेटअप किया है एटम्स फॉर पीस। ठीक है, तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड ए स्पेशल ट्रेन टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव को कमेमोरेट करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाया गया किसके द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। ठीक है, नेक्स्ट, पद्मश्री अवार्डी विनोद दुआ पास्ड अवे इन दिसंबर 2021। ही वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। ठीक है, विनोद दुआ जो है ये इनका रिसेंटली देहांत हुआ है और इनको पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, मिला था, तो ये क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं डांसर, जर्नलिस्ट, एक्टर या म्यूजिक कंपोजर। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्नलिस्ट थे। ठीक है, एनडीटीवी और दूरदर्शन के लिए काम करते थे विनोद दुआ। ठीक है, और भी देखते हैं कौन कौन से लोग डेथ किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। शिवा शंकर मास्टर, ठीक है, ये कोरियोग्राफर एंड एक्टर थे शिवा शंकर मास्टर जी। ठीक है, उसके बाद बाबा साहेब पुरंदरे, ठीक है, ये ऑथर थे, इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बाबा साहेब पुरंदरे कौन थे, ऑथर थे। ठीक है, राइटर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सितंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड ए परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टाइटल बेस्ट प्रैक्टिस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, किसने रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेकर के बेस्ट प्रैक्टिस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, किसने। ठीक है, तो ये किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर एज द मैस्कॉट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, 2021 का नमामि गंगे प्रोग्राम का मैस्कॉट क्या था, आपने आंसर कर लिया होगा उम्मीद है। इसका आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल सक्सेसफुली कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट 5G ट्रायल इन द 700 MHz बैंड इन इंटर्नशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इन नवंबर 2021। भारतीय एयरटेल ने इंटर्नशिप किया था किसके साथ, इनमें से, जब उन्होंने फर्स्ट 5G ट्रायल किया 700 MHz बैंड का। ठीक है, ये हो जाएगा नोकिया। नेक्स्ट, विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट बाय 2030। इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो कार्बन के इमिशन पे पूरा कंट्रोल कर लेगा 2030 तक, कौन सा एयरपोर्ट है। तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। 32nd हुनर हाट वॉज इनोग्रेटेड बाई द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया, यानी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने हुनर हाट इनोग्रेट किया है कौन से सिटी में। ऑप्शंस दिए गए हैं ये वाले। ठीक है, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए जॉब मेला फॉर वुमेन। जॉब मेला किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शंस ये दिए गए हैं,
उम्मीद है आपने आंसर कर दिया होगा, ये हो जाएगा हैदराबाद सिटी पुलिस। ठीक है, जॉब मेला लगाया ये किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था वुमेन के लिए। वुमेन रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन मिस यूनिवर्स 2021, ऑप्शन ये दिए गए, मैंने कितने वुमेन पार्टिसिपेट किए, मैंने कितने कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किए गए थे। ठीक है, एक्चुअल कंट्री के बारे में पूछा है, तो ये हो जाएंगे 80 कंट्रीज़ की वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और अगर बात करें मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी, तो हरनाज सिंधु अपने इंडिया की, ठीक है, चंडीगढ़ की। आगे बढ़ते हैं, नमन ओझा इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, नमन ओझा ने रमन ओझा किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड, इन्होंने रिसेंटली जो है संन्यास लिया है, इसलिए ये न्यूज़ पे है। ये विकेट कीपिंग थे, कीपर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इंडिया का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन निकाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक बिटकॉइन लीगल, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल सल्वाडोर, एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है एल सल्वाडोर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड इन फेब्रुवरी 2022, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो क्या होगा, अक्षय कुमार जी ही। ठीक है, द फर्स्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिंग विच स्टेट विथ त्रिपुरा वाया आसाम स्टार्टेड इन जनवरी 22। देखिए, मैंने क्या होता था कि त्रिपुरा को कनेक्ट किया गया है कौन से स्टेट से, आसाम के द्वारा। ठीक है, आसाम वाया आसाम जनशताब्दी से, तो ये हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, अभी जनशताब्दी स्टार्ट किया गया है आसाम वाया आसाम के। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, ICHR के चेयरमैन कौन, तो ये हो जाएंगे रघुवेंद्र तनवार जी। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज एट, UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये हो जाएंगे नैरोबी, ये नैरोबी केनिया में है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर UNEP का कहाँ है, नैरोबी में। अब देख लेते हैं बाकी, पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का, यानी कि यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का पेरिस में, जेनीवा का जेनीवा में कौन कौन है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके बाद ILO मैंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये सारे जेनेवा में हैं। और न्यूयॉर्क की बात करें तो UNO, उसके बाद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। ठीक है, ये सारे कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूयॉर्क में ही है हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ वन द 2021 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हिज नोबल द प्रोमिस, द प्रोमिस जो बुक लिखी गई है उनके लिए उनको बुकर प्राइज़ मिला है 2021 में, उनका नाम क्या है। ठीक है, हो जाएंगे डेमन गुलगुट, ये साउथ अफ्रीका के ऑथर हैं। ठीक है, डेमन गुलगुट, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि बुकर प्राइज़ कौन से बुक के लिए मिला है, द प्रोमिस। आगे बढ़ते हैं, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसको पेटा बोलते हैं, हैज़ नेम्ड होम एज इट इस पर्सन ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए पेटा का अवार्ड किनको मिला है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, ऑप्शंस देख लीजिए, ये हो जाएंगे आलिया भट्ट। ठीक है, होप सो वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई कीजिए जम के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।